अनिल दुबे जी आपसे बात शुरू करते हैं। अनिल यादव की तरफ से 5 और तारिक खान की तरफ से 5 लोग बैठ रहे हैं, एक आपकी पार्टी से भी बैठा लेते हैं हैंडपंप की तरफ से, नहीं क्या समस्या थी? कुछ मान रह जाता बागपत बड़ौत में जयंत चौधरी का भी कि हाँ भाई हमारी पार्टी का भी आदमी मीटिंग में गया, नहीं देखिए अमिताभ जी उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जी उसमें हम नहीं है। 28 दलों का जो गठबंधन है उसमें 18 दलों के लोगों को कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में राष्ट्रीय लोकदल का क्या कोई भी सदस्य नहीं है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी जो सीटें उनको लड़नी है, जिस सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं वो सूची हमने इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सौंप दी है, और उस पर जो भी विचार होगा अन्य बैठकों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सारी बात ठीक। मैं तो बड़ा सरल सवाल पूछा भाई, 10 लोग बैठ रहे, 10 कप चाय बन रही है, 10 समोसा कचौड़ी आ रहे हैं, 11वां भी बैठ जाता क्या जा रहा था? नहीं बैठना चाहिए था। बागपत में आपकी इज्जत बढ़ जाती, बड़ौत में आपकी इज्जत बढ़ जाती। अब हम तो वहां जानते हैं चौधरियों को मिजाज क्या, वो कहेंगे भाई छोरा तेरे आदमी को वहां जगह नहीं मिली। तब लेकिन अब ये मसला है गंभीर, इसको भी समझना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा कृष्णा पटेल की पार्टी से भी एक को बैठा लेते, केशव देव की पार्टी से भी एक को बैठा लेते। केशव देव कब से झंडा लिए घूम रहे? नहीं सभी को बैठना चाहिए। अरे सीट देते ना देते बैठा तो लेते, गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो करो। खैर खैर कब तक निपट जाएगा मसला भैया दुबे जी? देखिए हम लोगों ने सीटों की बात, जिन सीटों पर हमें लड़ना है, जिन पर हमारा प्रभाव है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से वो सीटें उनको सौंप दी गई हैं, और बहुत ही मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी जिस तरह 4 बैठकों में जो बातें तय हुई हैं कि जो जहां जिस राज्य में प्रभावशाली हो, जिस राज्य में जिस क्षेत्र में जो दल प्रभावशाली हो, जो जीतने की स्थिति में हो, वो वहां पर लड़ने का काम करें। सीटों को संख्या बढ़ाने को लेकर के हम लोग नहीं लड़ना चाहते, ये बात वहां पर गठबंधन बैठकों में तय है। और हम लोग चाहते हैं कि जो जहां जीत सके वही वहां लड़ने का काम करें। दुबे जी ठीक है, ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है तारिक बाबू के, जो जहां जीत सके उसी को टिकट देंगे और संख्या नहीं, ऐसा ब्लैंक चेक नहीं देंगे। जब सीटें बढ़ती हैं तो कोई उस्ताद ये मानने को तैयार नहीं होता कि मेरे पट्टे के अलावा कोई दूसरा जीत सकता है, वहां भले ही वोट मिले 5 क्या। मुझे वो पार्टी बताओ जो ये माने कि हम हार जाएंगे यहां क्या, अपना दबो अपना कृष्णा पटेल भी नहीं मानेंगी, केशव देव भी नहीं मानेंगे, संजय चौहान भी नहीं मानेंगे, जयंत को तो छोड़ो। ये एक प्रैक्टिकल है कि नहीं? अच्छा दूसरे मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा था, एक झंझट निपट नहीं रहा, कल मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात कही, समझदारी की बात कही कि भाजपा ने कई राज्यों में ऐसा काम किया है कि उसका वोट शेयर 60% को पार कर गया। अखिलेश यादव के शब्द उद्धृत कर रहा हूं कि भाजपा ने कई राज्यों में ऐसा काम किया कि उसका वोट परसेंटेज 60% को क्रॉस कर गया, और उससे अगर लड़ना है तो दिन नहीं बचे 100, जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तुरंत उतरना होगा। इस सब के बीच में ये चल रहा है अभी, बताइए कोई और टाइम आएगा भैया क्या? नहीं, मान लीजिए 15 फरवरी को अनाउंस हो जाए इलेक्शन, कोई रोक तो है नहीं अनाउंस होने में? कितना समय बचा है इलेक्शन अनाउंस होने और प्रक्रिया में फिर तारिक खान साहब? हाँ बहुत कम समय बचा। अब देखिए ऐसा है ना कि कांग्रेस ने लगातार 4-5 दिनों से अलग अलग स्टेट के जो उनके पार्टनर इंडिया गठबंधन के उनको बुला रहे, कल परसों शायद आपको बुलाया था, उससे पहले बिहार की दोनों बड़ी पार्टियों को बुलाया था, उसी में समाजवादी पार्टी को भी बुलाया गया था, और समाजवादी पार्टी ने अपनी बातें रखी है। और मुझे लगता यह है कि अब ज्यादा बचा नहीं है, जो मैं सबसे अच्छी बात कही रामगोपाल साहब ने कि आधा रास्ता तय है और आधा बचा। अब आधा रास्ता का मतलब यह है कि जो सीटों की बात है वो लगभग मुझे लगता है कि फाइनल हो ही गई होंगी,
और नहीं अगर हुई होगी तो नेक्स्ट मीटिंग एक और मुझे लगता है कल ही परसों में हमारी तरफ से उदयवीर सिंह साहब और लालजी वर्मा साहब और जावेद अली खान और रामगोपाल साहब ये सभी लोग थे। तो मुझे ये लगता है कि जल्दी रास्ता निकलेगा, कौन क्या कहता है वो उसके ऊपर है, मगर आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि लड़ाई जो अखिलेश जी ने कहा उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लड़ाई तगड़ी है और उसमें अब बिल्कुल भी विलंब की जगह नहीं है, मगर अगर मीटिंगें ना हो रही होती जी। हम इंतजार कर रहे होते कि 22 निपट जाए तब मीटिंग हो, तब तो अमिताभ भाई कहा जाता कि विलंब हो रहा है, देर हो रही है, अभी 22 का प्रोग्राम हो भी रहा है, साथ ही हम रियलाइज भी कर रहे हैं, हम किसी चीज का इंतजार नहीं कर, ठीक तारीख ठीक तारिक बाबू ठीक है। मैं कांग्रेस से भी एक सवाल ले लूं, बीजेपी से भी, फिर दूसरे राउंड में जब आऊंगा तब ये पूछूंगा कि ये क्या जरूरी है कि जब पूरा देश राम राम कह रहा है, राममय हो रहा है, तब 1990 30 अक्टूबर की और 2 नवंबर की गोली कांड को याद करना माइक पर मुस्कुराते हुए, ये कौन डॉक्टर बताया है कि ये काम करो? बोले नहीं ठीक गोली चलवाई थी, चलवाना जरूरी था। ये वक्त गोली याद करने का है कि राम भक्तों पर गोली चलवाई गई थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उसकी कीमत भी चुकाई है ना, और फिर बोलेंगे तो फिर कीमत चुकाएंगे, स्वाभाविक है, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं वो आप जब कुरेदोगे तो कीमत देनी पड़ेगी। अखिलेश जी कह रहे हम मायावती जी के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, कोई सवाल पूछो। चाचा कह रहे वो दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी है, किसकी सुने? अखिलेश जी कह रहे हम उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते, और चाचा कह रहे दौलत की बेटी है। अरे घर में तो एका कर लो बाबू, मायावती जी सुनेंगे तो क्या उनके दिल पे गुजरेगी? खैर अनिल यादव जी, चर्चा ये आ रही है मित्र कि एक दर्जन और दो दर्जन के बीच में मामला फंसा है, क्या रामगोपाल जी ने जो कहा उसका अर्थ मेरी समझ में इतना आया कि दो बार मीटिंग हो ली, चाय नाश्ता हो लिया, आधी दूरी खत्म हो गई, बैठ लिए, एक दूसरे को पहचान लिए कि ये उदयवीर हैं, ये मुकुल वासनिक है, क्या हेलो हेलो हो गई, ठंड है ज्यादा, क्या आधा रास्ता पार हुआ? आप, मैं सलमान खुर्शीद की बात को ज्यादा प्रामाणिक मानता हूं क्योंकि सलमान खुर्शीद वकील हैं, हमारे शहर के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ बैठक में खुर्शीद साहब, तो बोले हमने अपनी सीटें और अपने परसेप्शन इनको बताया, इन्होंने अपना बताया, एक अब नेक्स्ट राउंड बैठेंगे तो फिर एक दूसरे के परसेप्शन एक्सचेंज होने के बाद क्या राय बनी उस पर चर्चा करेंगे। अनिल जी मामला फंस कहां रहा है? आबादी का एक शेर याद आ गया जी कि हम करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी का कत्ल हो गया, AIDMK छोड़ के चली गई, कोई चर्चा नहीं हुई। JJP के लिए तो नड्डा जी ने ये भी कह दिया हरियाणा में कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। तो उनके गठबंधन में वो लगातार किसी ना किसी का कत्ल कर रहे हैं तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन आपका विशेष प्यार जो है इंडिया गठबंधन से वो मैं समझ सकता हूँ। और मैं अब आपकी बात कराता हूँ, अमिताभ जी समस्या कहीं भी नहीं है, समस्या थोड़ी भी नहीं है, और अगर होती तो रामगोपाल जी या सलमान खुर्शीद साहब दोनों ही उस बात को बाहर कह देते। दोनों ने कहा कि पॉजिटिव माहौल में बात हो रही है। रामगोपाल जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि आधा रास्ता पार कर लिया आधा बाकी है। अब मैं आपको दो बातें बताता हूँ उसका कारण क्या है। देखिए एक तो आप बार बार कह रहे हैं कि देर हो रही है, मैं ये मानता हूँ कि चुनाव जल्दी आने वाला है। हमने कह रहे अखिलेश यादव, अनिल यादव एक मिनट, हमने कह रहे अखिलेश यादव कह रहे, मैं उनकी बात को उद्धृत कर रहा हूँ। अब अखिलेश यादव की समझ कम हो सलमान खुर्शीद से तो सलमान जाने अखिलेश जी जाने, ठीक मैं उस बात पे उसी बात पे। अगर सलमान खुर्शीद ज्यादा समझदार है उनको राजनीति ज्यादा आती है, अखिलेश यादव को कम आती, तो आपस में फरियाओ। अब आप सुन तो लीजिए, देखिए ये बात सही है कि एक तरफ सीट शेयरिंग की बात चल रही है लेकिन चुनावी तैयारी दोनों पार्टियों की धरातल पर चल रही है। देश में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अखिलेश जी प्रदेश में PDA यात्रा निकाल रहे हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी 11 जिलों की यात्रा करके आए हैं, बूथ पर काम चल रहा है, वो एक तरफ है बात, साथ के साथ सीट शेयरिंग पे भी बात चल रही है। और देखिए इसका ये इसलिए हो रहा है कि चाहे जिसको सीट मिले
दोनों पार्टियों का योगदान 100% होने वाला है, चाहे जिसको जितनी मर्जी सीट मिले। जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा वहां पर कांग्रेस पार्टी खून पसीना लड़ा के उसे जिताने का काम करेगी, और यही हम समाजवादी पार्टी से उम्मीद करते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ी क्लियर स्थिति है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मेरी शुभकामनाएं। जब मायावती और अखिलेश यादव ने अलायंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो दोनों ने यही बात कही थी जो अनिल यादव कह रहे हैं, हमारे दोस्त, क्या कि खून पसीना लगा देंगे, जान लगा देंगे। और जब रिजल्ट आया उसके बाद धैतेरे की, बोले इनने काम नहीं किया, बोले इनने हरवा दिया। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने में कई गठबंधन देखे बाबू, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा। दूसरी बात हो रही कि रिश्ता बहुत अच्छा है, इतना मीठा हो गया कि बेनी राम की इमरती जौनपुर वाले की, इतनी मीठी, क्या ठीक है मान लेते हैं। लेकिन अखिलेश जी अभी कल कह रहे थे कि हमारी स्थिति यह है कि हमें ना भाजपा वाले अपने कार्यक्रम में बुलाते ना कांग्रेस वाले, ये अखिलेश यादव कह रहे थे। अब को वो गलत बोल रहे हो तो उनसे पूछो जाके, इसीलिए हमने पूछ लिया कि मौसम का मामला क्या है। हम तो जो अखिलेश यादव बोलते हैं उसी पर अंदाज लगाते हैं ना कि मसला क्या चल रहा भाई, और क्या जाने। खैर, अशोक पांडे जी, शिवपाल जी ने कहा कि 1990 में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जो गोली चलवाई गई अयोध्या में कार सेवकों पर वो उचित थी, जरूरी थी, चूंकि कार सेवक उत्पात कर रहे थे। जब रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा में 4 दिन शेष हो, उस समय जब देश में एक राममय वातावरण हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी दल का हो या बिना दल का हो, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, पूरे देश में राममय वातावरण है। तब ये बात अचानक से क्यों उछाली गई फिर से गोलीकांड, अशोक पांडे जी, इसके पीछे क्या दिखता है? देखिए, आपको बता दें कि एक दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि आ देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, हे देवी मुझे मुगालता भी दीजिएगा, ये लो मुगालते में, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य। इन लोगों का जनता इस बार बैंड बाजा बजा देगी, जिस तरह से राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को मुलायम सिंह ने लाल किया था और जनता ने उन्हें सबक सिखाया था। दुर्भाग्य है कि शिवपाल जी को याद नहीं है। उनकी बात आ जाए फिर, आप फिर भाई उनकी बात आ जाए। बुद्धि बौला गई है, क्योंकि निश्चित तौर पे उस जमाने में जब देवता थे तो दानों भी हुआ करते थे। आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस तरह के दानव इस तरह की अनर्गल भाषा बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। इसका खामियाजा चुनाव में इन्हें जनता देगी, इसमें कोई दो राय नहीं।